गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12 पिछली क्लास में जैसे हमने आपको मानव में गुणसूत्रीय व्यक्तिक्रम पढ़ाए थे, जिसमें हमने सुगुणता तथा विषमगुणता के बारे में बताया था। इसमें हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से जीन यानी कि क्रोमोसोम घट बढ़ जाते हैं और किस प्रकार से उनमें लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो आज उसी के आगे हम आपको बताएंगे, इसकी हेडिंग है दैहिक गुणसूत्रों की संख्या में व्यक्तिक्रम। दैहिक व्यतिक्रम जिसे हम लिखेंगे कहते हैं। अब देखिए,
मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। 46 में 21, 22 और 23। अब देखिए 23 ये सारी क्या है, यानी कि यहाँ तक तो नर तथा मादा दोनों में है, लेकिन जब गुणसूत्र का क्या होता है, युग्मनज बनता है, तो उसमें ये वाले की क्या हो जाती है, प्रतिलिपि बन जाती है, यानी कि इसकी फोटो कॉपी एक और बन गई। तो ये 21 एक और हो गया, यानी कि इसमें जो गुणसूत्र थे उसमें एक 21 और उपस्थित है, तो ये कितने हो गए? तो जब ये हो जाता है तो क्या कहलाता है? डाउन सिंड्रोम। इसीलिए इसे डाउन सिंड्रोम कहते हैं। लिखिए अगली लाइन से लिखेंगे इसी में, 21वें गुणसूत्र के अधिक होने से, एक गुणसूत्र के अधिक हो जाने से, एक यानी कि एक कौन सा बढ़ गया, 21वां, एक गुणसूत्र के अधिक हो जाने से व्यक्ति में, व्यक्ति का चेहरा मंगोलियन की भांति, व्यक्ति का चेहरा मंगोलियन की भांति, यानी कि मंगोलिया अपने लोग देखे होंगे, नाक चपटी सी होती है, चेहरा यानी कि माथा निकला हुआ होता है और नाटे कटके होते हैं, तो मंगोलियन की भांति, कौमा मस्तिष्क चौड़ा, कौमा मस्तिष्क चौड़ा, कौमा गर्दन एवं अंगुलियां मोटी होती हैं, कौमा गर्दन एवं उंगलियां मोटी होती हैं तथा फूली हुई होती हैं, मोटी तथा फूली हुई होती है, कद छोटा होता है, कद छोटा होता है, मंदबुद्धि या खुरदरी त्वचा, उभरा हुआ ओठ आदि लक्षण दिखाई देते हैं। तो आपने देखा कि अगर ये क्या है, डाउन सिंड्रोम में एक प्रतिलिपि बढ़ जाती है, तो एक प्रतिलिपि बढ़ने के कारण 47 सूत्र हो जाते हैं, जिससे जो संतान उत्पन्न होती है तो वो मंगोलियन की भांति होती है, जिसका माथा चौड़ा, नाक चपटी, जीभ खुरदरी, त्वचा खुरदरी तथा नाटे कटका और फूले हुए ओठ और इस प्रकार से वह दिखाई देता है। अगली लाइन से एक और मेन पॉइंट इसी में है, इस प्रकार के बच्चे 5 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहते हैं, यानी कि 5 वर्ष की अवस्था में जब वे आते हैं तो क्या हो जाते हैं, मृत हो जाते हैं, यानी कि मर जाते हैं। तो इस प्रकार की लक्षण के बच्चे 5 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहते हैं। तो ये था आपका कौन सा, डाउन सिंड्रोम। अब इसके बाद है पटाऊ सिंड्रोम। इसके बाद दूसरा लिखेंगे पटाऊ सिंड्रोम, वेरी इंपॉर्टेंट है ये सिंड्रोम, ये उसमें आता भी है आपके एग्जाम में, एक सिंड्रोम हमेशा जरूर पूछा जाता है। सिंड्रोम, तो आपने इसमें डाउन सिंड्रोम में देखा कि एक प्रतिलिपि 21 की बढ़ रही थी और ये लक्षण हो रहे थे। अब ये किस कारण होता है, यानी कि जब निषेचन क्रिया होती है तो युग्मनज में गुणसूत्र की संख्या जो होती है वह 47 हो जाती है। तो अब लिखेंगे पटाऊ सिंड्रोम।
हेडिंग डाली है मैंने, डाउन सिंड्रोम में लिखें, इस अनुवांशिक रोग की खोज इस अनुवांशिक रोग की खोज इस अनुवांशिक रोग की खोज 1960 में पटाऊ नामक वैज्ञानिक ने की थी। 1960 में पटाऊ नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह सिंड्रोम गुणसूत्र संख्या 13 की एकाधि सूत्रता के कारण होता है। 13 की एकाधि सूत्रता के कारण होता है। प्रत्येक 10,000 में से एक व्यक्ति इस रोग से ग्रसित होता है। प्रत्येक 10,000 में से एक व्यक्ति इस रोग से ग्रसित होता है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति की आयु 1 से 3 महीने तक ही होती है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति की आयु 1 से 3 महीने तक ही होती है, जिनमें त्वचा कौमा अंग तथा अंगुलियां असामान्य होती हैं। ये मानसिक रूप से मंद नाक चोच जैसी वृक्क विकार से ग्रसित होते हैं। तो ये आपको समझ में आया कि पटाऊ सिंड्रोम क्या है, यानी कि पटाऊ सिंड्रोम में 13 जो 13वां गुणसूत्र होता है उसकी एक आदि सूत्रता बन जाती है। तो यह रोग किन में होता है? 10,000 में से कम किसी एक व्यक्ति को, और इसमें से जो व्यक्ति ग्रसित हो जाता है उसकी आयु कितनी होती है? 1 से 3 माह तक की। और ये बच्चे कैसे होते हैं? मानसिक रूप से मंद होते हैं, नाक चोक जैसी होती है, हृदय रोग से ग्रसित होते हैं तथा वृक्क रोग से भी ग्रसित होते हैं। तो ये पटाऊ सिंड्रोम के अंतर्गत आता है। तो अगली हेडिंग है एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम क्या है? तो इसकी खोज 1960 में एडवर्ड ने की थी। इस सिंड्रोम की खोज एडवर्ड ने 1960 में की थी। यह विकार गुणसूत्र 18 की एक प्रतिलिपि बनने के कारण होता है। मादाओं में यह संख्या अधिक होती है। मादाओं में यह विकार अधिक होता है। मादाओं में यह विकार अधिक होता है। इन रोगियों में छोटे जबड़े
छोटे नितंब, छोटे जबड़े कौमा छोटे नितंब कौमा मोटी गर्दन कौमा मोटी गर्दन कौमा छोटा मुंह कौमा छोटा मुंह कौमा छोटा अंगूठा कौमा छोटा अंगूठा बड़ा सिर हृदय तथा कान में विकृत हृदय तथा कान में विकृत वा विकलांगता वा विकलांगता एवं अल्पायु पाई जाती है एवं अल्पायु पाई जाती है। ब्रैकेट में लिखेंगे छह माह, ब्रैकेट में छह माह। तो आपने देखा कि जो एडवर्ड हमारा क्या है, एडवर्ड सिंड्रोम है, तो इसमें जो कौन सा गुणसूत्र एक ज्यादा बन रहा है प्रतिलिपि, यानी कि 58, यानी कि ये है 58, इसकी प्रतिलिपि एक और बन गई, यानी कि एक और 18वां बन गया। जब ये 18वां बन गया तो बच्चे में गुणसूत्र की संख्या और अधिक बढ़ गई। जब ये बढ़ गई तो गुणसूत्र जब कोई लक्षण अलग से प्रदर्शित होगा तो वैसे क्या करेगा, शरीर पे प्रभाव अपना दिखाएगा। जब प्रभाव दिखाएगा तो किस प्रकार से दिखाएगा, यानी कि छोटे जबड़े मोटी गर्दन छोटा मुंह छोटा अंगूठा बड़ा सिर कान टेढ़ा होना विकलांगता तथा अल्पायु यानी कि छोटी आयु। तो ऐसे बच्चे कितनी वर्ष तक जीवित रहते हैं, सिर्फ 6 माह तक, लगभग 6 माह तक ही जीवित रहते हैं। तो ये था आपका एडवर्ड सिंड्रोम। अब इसके बाद एडवर्ड सिंड्रोम के बाद आता है आपका क्राई टू चैट सिंड्रोम। क्राई टू चैट सिंड्रोम, क्राई टू चैट सिंड्रोम। क्राई टू चैट, तो क्राई टू चैट, क्राई से ही समझ में आ रहा हो चिल्लाना, यानी कि जब इसमें शिशु पैदा होता है तो वह जब रोता है तो वह बिल्ली की तरह रोता है, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, क्राई टू चैट। तो इसमें लिखेंगे इस सिंड्रोम की खोज लीजियन ने 1963 में, 1963 में इस सिंड्रोम की खोज लीजियन ने 1963 में की थी। इसमें बच्चा बिल्ली की तरह रोता है, इस सिंड्रोम में बच्चा बिल्ली की तरह रोता है। यह गुणसूत्र 5 के विलोपन के कारण होता है, यह गुणसूत्र 5 के विलोपन के कारण होता है, जिससे शिशु मानसिक रूप से विक्षिप्त होता है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 45 ही रह जाती है, जिससे गुणसूत्रों की संख्या 45 ही रह जाती है। तो देखिए यहाँ पर सब में क्या हो रहा था, एक एक गुणसूत्र बढ़ रहा था, यानी कि 46 थे, 46 में एक गुणसूत्र बढ़ने के कारण गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी थी, 47 हो गई थी। लेकिन यहाँ पर एक गुणसूत्र है जो कि एक गुणसूत्र क्या हो गया, विलुप्त हो गया, यानी कि पांचवा वहां से गायब हो गया। जब पांचवा वहां से गायब हो गया तो बचे कितने, 45। जब 45 गुणसूत्र किसी शिशु में होंगे तो उसमें कुछ ना कुछ कमी तो दिखाई जरूर देगी, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ लक्षण प्रभावित जरूर होंगे। तो लक्षण प्रभावित क्या हुए, यानी कि जितने भी 46 गुणसूत्र होते हैं ये हमारे मानसिक शारीरिक बौद्धिक सभी लक्षणों से जुड़े होते हैं। एक सूत्र का बढ़ना या एक गुणसूत्र का घटना हमारे लक्षणों में बहुत प्रभाव डालता है, जिसके कारण विक्षिप्त बुद्धि होना, विक्षिप्त शरीर होना, मानसिक विकार होना,
ये सभी गुण आ जाते हैं। तो जब इसमें ये बचे तो क्या हो गया, तो इसे हम एक न्यूनता सूत्र भी कहते हैं। तो इसे हम एक न्यूनता सूत्र भी कहते हैं। तो ये थे आपके चार प्रकार के सिंड्रोम जो दैहिक गुण सूत्रों के कारण हो रहे थे, यानी कि जो शरीर से प्राप्त हो रहे थे। जो इसके बाद है वह लिंग गुण सूत्रों की संख्या में है, यानी कि दो ऐसे सिंड्रोम हैं जो कि लिंग निर्धारण के समय प्रभावित होते हैं, जो दैहिक गुण सूत्रों से संबंध नहीं रखते। तो शायद ये सभी आपको समझ में आ गए होंगे, तो आप इसे नोट कर लीजिए। पहला था आपका डाउन सिंड्रोम, दूसरा था पटाऊ सिंड्रोम, तीसरा था एडवर्ड सिंड्रोम और चौथा था चाइन। तो पहले में आपका क्या हुआ, 21वां बढ़ा, दूसरे में पटाऊ में आपका 13वां बढ़ा था, ठीक है, 13वां का एक आदमी सूत्रण हुआ था, चौथे में आपका 18वां बढ़ा था जिसके कारण, और जो आपका चौथा था प्राइड उसमें पांचवा विलुप्त हो गया था। जब पांचवा विलुप्त हो गया था तो उसे क्राइड टू चैट यानी कि बच्चा जब जन्म लेता है तो वह कैसे होता है, बिल्ली की तरह। तो ये इसीलिए इसे क्राइड टू चैट सिंड्रोम कहा जाता है।